आज जंतर मंतर के अंदर, जंतर मंतर पे जहां जनता आवाज उठाती है, ईवीएम को सरकार ने खिलौना बना दिया है, ईवीएम को लोगों ने जो है जनता के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। ईवीएम के मार्फत से अगर इनको सरकार बनानी है और माफिया और मीडिया और ये जो मनी 3M माफिया मीडिया और ये जो है ये जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, ये तमाम लोगों ने जिस तरह से ईवीएम के सहारे देश को गुमराह कर करके जनता के अधिकारों को छीन करके और सरकार बना लेती है, तो मुझे पूछना है सरकार से कि भाई चुनाव खत्म करो, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दो, जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव में। हम लोग जो है लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लेकिन सरकार लोकतंत्र को अपने पॉकेट में रखेगा, अपनी मनमर्जी करेगा। आयोग पे आपका विश्वास नहीं रहा? कहाँ रहा, हमें तो विश्वास था चंचूर साहब पे भी, हमें सीजीआई पे भी विश्वास था, उन्होंने भी, उनको भी बड़ा पैकेट मिल गया। मैं न्यायपालिका के खिलाफ भी बोल रहा हूँ, मैं न्याय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज न न्यायपालिका रहा, न हमारा चुनाव आयोग रहा, न ईडी रहा, न इनकम टैक्स रहा, न सीबीआई रहा, न हमारा मीडिया है। ये सब के सब जनता का, जनता को शोषण करने वाले और सरकार के पट्ठों बन गया। और इसीलिए आज वकीलों को और हमारे जनता को हमारे जंतर मंतर पे आके कहना पड़ रहा है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लोग सबूत देना चाहते हैं, मानने को तैयार नहीं है। मैं इससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं कि 19 लाख ईवीएम मशीन जो गायब है वो कहां गया, जो ईवीएम मशीन टूट गई है रिपेयरिंग के लिए गया है वो कहां गया, तो ये जवाब नहीं देते। और इसीलिए कहा ईवीएम में दिक्कत यह है कि ये मनमर्जी अपने तरीके से, मैं मानता हूं कि उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है और चिप नहीं है, लेकिन ये मनमर्जी उसमें सेटिंग करते हैं, ईवीएम की चोरी करते हैं और जहां पे स्टोर रूम में होता है वहां पे वो ईवीएम मशीन को बदल देते हैं। मेरा मांग है कि अगर ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो उसके अंदर पर्ची भी होना चाहिए, जिस तरह से हमारा मॉल में, हमारा मेट्रो में हमें क्यूआर कोड मिलता है, आप उस तरह से पर्ची का उसमें व्यवस्था कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।